अरे हमारे वेलकम के लिए खड़े भाई, एक नंबर। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है दिवाली का दिन, सो हैप्पी दिवाली टू एवरीवन हूएवर इज वाचिंग दिस व्लॉग, एंड आपके फैमिली को भी मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। हमने सोचा कि चलो आज अभी दिवाली खत्म हो गई है तो पूजा वगैरह सब कुछ हो चुका है, एंड नेक्स्ट डे है आज दिवाली का, तो मैं सोच रहा हूँ कि चलो देखो बॉम्ब भी फूट रहे, तो मैं सोच रहा कि चलो एक राइड पे जाके आते, छोटी राइड करते, जाना चाहिए क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैं राइड पे नहीं गया था। तो अभी दिवाली वगैरह सेलिब्रेशन हो गया है, फैमिली के साथ मैंने दिवाली मना ली है, तो मैं सोच रहा हूँ कि चलो एक राइड पे जाते हैं। जैसे आप सभी को पता है मेरी बुलेट चली गई है, तो मैं और एक फ्रेंड है जो आपको कल सुबह पता चलेगा कि कौन है, तो हम सोच रहे कि हम दोनों ही चले जाते हैं। अभी फिलहाल मैंने राइडिंग के सारे सामान निकाल रहा हूँ, तो धीरे धीरे जो भी मेरे 2-3 साल पहले मैंने सब कुछ रखे थे इधर उधर से सब इकट्ठा कर रहा हूँ, एंड पता नहीं आज हेलमेट का माइक नहीं चल रहा है, तो अच्छा हुआ राइड के पहले मैंने चेक कर लिया और ऐसे ही नहीं गया, तो अभी उसे भी चेंज करते हैं एंड फिर कल सुबह निकल जाएंगे, एंड कहाँ जाएंगे वो आपको थोड़े टाइम में बताएंगे। ये देखो गाइस, ये हमारी राइडिंग पैंट, राइडिंग जैकेट बहुत गंदी हो चुकी है, बट ठीक है राइड पे यूज करना है तो चलेगा। एंड ये गोप्रो का सेटअप, ये मेरा हेलमेट, अभी इसका माइक निकाल के मुझे ये वाला माइक डालना है, और इसका वायर बहुत ही ज्यादा लंबा है, अब जो उसके अंदर डाला है वो भी सेम है, बट अभी करेंगे इसको थोड़े टाइम में, और सब कुछ यहाँ पे चार्जिंग वीजिंग के लिए लगा रखा है सो दैट अपने को प्रॉब्लम नहीं हो। तो बस गोप्रो चेक कर रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सेटअप गोप्रो चेक करके देख लिया कि माइक बराबर चल रहा है कि नहीं, और ये रहा मेरा पुराना माइक। तो गाइस ये देख सकते हो आप दिवाली की सेलिब्रेशन, और खुशी आज इस बात की है कि आज टाइगर भी रिलीज हुई है, तो अभी जा रहा हूँ मैं टाइगर मूवी देखने, 9:30 बजे की मूवी है, एंड जैसे ही फिर मूवी ख़त्म होगी उसके बाद घर पर आके रेस्ट करेंगे, एंड रेस्ट करके फिर सुबह निकलना है अपने को, 4 या 5 बजे निकल जाएंगे, कहाँ जाएंगे फिर अब कल सुबह देखना, अभी जाके पहले मूवी एंजॉय करते हैं एंड फिर आपको अभी डायरेक्टली सुबह मिलते हैं मूवी के बाद। The next day. So good morning guys, this is a new day. और बस सुबह के 5:30 बज रहे हैं, मैं भी रेडी वगैरह हो चुका हूँ, बस अभी फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ, जैसे ही वो नीचे आता है, मतलब जैसे ही वो बाइक लेकर आता है फिर हम निकल जाएंगे। और आज का आउटफिट राइडिंग पैंट वगैरह एकदम डाल दिया है मैंने, अपने कार में ही सब सामान रखा है, हेलमेट, राइडिंग जैकेट, तो मुझे सिर्फ अभी जैकेट डालना है ऊपर से, एंड वो बैग में मेरे कपड़े हैं, कपड़े में इसलिए लेके जा रहा हूँ, हो सकता है हम लोग का रहने का प्लान है, और एक कपड़ा रहना हमेशा अच्छी बात होती है, तो कपड़ा वगैरह भी ले लिया एक एक्स्ट्रा, नहीं हुआ तो हम लोग वन डे ही जाकर आएंगे, बट पता नहीं है अभी तक हम कहाँ जा रहे हैं, मुझे भी इस चीज का आइडिया नहीं है, बस हम निकल रहे हैं एंड फिर ऑन द वे डिसाइड करेंगे जाना कहाँ पर है, बट जाएंगे मोस्टली सूरत साइड में क्योंकि वो ही हाईवे फ्री रहता है, खाली रहता है, तो जाएंगे वो साइड ही, बट कहाँ तक जाने वाले उसका कुछ आइडिया नहीं है, जो भी होगा आपको ऑन द वे पता चल जाएगा। तो सामान भी अपना ज्यादा नहीं है, सिर्फ ये एक बैग है, वो सिर्फ एक बैग में जाएगा एंड उसी को गाड़ी में बांध दिया जाएगा, ज्यादा कपड़े नहीं लेकर जा रहा हूँ क्योंकि हम लोग के पास कैरियर वगैरह कुछ नहीं है बाइक में, ये बाइक फर्स्ट टाइम कहीं लॉन्ग राइड पे जाने वाली है, तो हमने इसके लिए कुछ ज्यादा कुछ बनाया नहीं है, जैसे ही हम लोग का कुछ आगे प्लान होगा, कुछ बड़ा प्लान होगा, तो उसके लिए अच्छे खासे से हम स्टैंड या रैक ले सकते हैं, अभी फिलहाल एक दिन का प्लान है तो ज्यादा कपड़े की बात नहीं है, टैंक वगैरह में एडजस्ट करके निकल जाएंगे। सो गाइस हम लोग फाइनली निकल चुके हैं, ऐसा क्लाइमेट रहेगा तो अच्छा है, पूरा दिन जाने का किधर है, लेकिन सो गाइस हमें रास्ते पे भी कुछ राइडर्स मिल गए, सुबह सुबह जा रहे भैया राइड के लिए, सो अभी हम लोग फिलहाल विरार हाईवे पे तो आ चुके हैं, और अभी हम लोग का प्लान ये हो रहा है कि हम जाएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी, और उसके बाद देखेंगे कुछ अगर प्लान हुआ तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। सॉरी गाइस मैं आपको बता नहीं पाया कि कौन आया है मेरे साथ राइड पे एंड कौन सी बाइक लेकर जा रहे हो, आप स्पीडोमीटर देखकर तो समझ ही गए होंगे जो बाइक्स के शौकीन हैं, बट जैसे ही उजाला होगा तो मैं किसके साथ हूँ और कौन सी गाड़ी है ये सब आपको दिखाऊँगा। क्लाइमेट तो बहुत ज़्यादा मस्त है लेकिन ठंडी भी उतनी ज़्यादा लग रही है, और बहुत सारे बाइकर्स भी मिल रही है, देखो जैसे कि आप देख सकते हैं, और मज़ा आ रहा है, ओ भाई साहब ट्रक कहाँ से लेकर आ गया, मज़ा तो आ रहा है गाइस, इतने सालों के बाद राइड कर रहा हूँ ऐसे लग रहा है, ऑलमोस्ट लाइक आफ्टर कोविड मैंने राइड ही नहीं किया इतनी लंबी कहीं पे बाइक में, तो अभी कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और बहुत ज़्यादा ठंडी भी लग रही है, यहाँ पर आके मुझे लगा था ठंडी कम हो जाएगी बट ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आके तो और ठंडी बढ़ गई है, जैसे कि आप देख सकते हो फॉगी थोड़ा लग रहा है, आगे कैमरे में इतना नहीं दिख रहा बट थोड़ा बहुत फॉगी तो है। अब रुका दे थोड़ा, बैग्स आगे लेना है टंकी पे एंड फिर थोड़ा पानी भी नहीं भी पीते, पीछे से इतनी ज़्यादा लाइट आ रही है और एक कार है, मुझे लगा बहुत सारे बाइकर्स आ रहेगा पीछे से बट ऐसा कुछ नहीं था,
सारी कार्स है पीछे। तो गाइस सुबह की शुरुआत हो गई है और उजाला भी हो गया। सुबह की शुरुआत तो काफी टाइम पहले हो गई थी और अभी अच्छा खासा उजाला हो गया। और ये सीन मेरे साथ देजा हुआ था कि हमारी बाइक यहाँ पर खड़ी है, ये ब्रीजा है और ऐसे ही कोई रोड है। बहुत टाइम पहले ऐसा कुछ हुआ था और अभी वो हो गया, सामने हो गया। तो आप लोग के साथ भी कभी कभी ऐसा होता है क्या, बताना। जो चीज़ आप सपनों में देख लेते हो और फिर वो अचानक से होती है ना, एंड फिर आपको क्लिक होता है कि अरे ऐसा भी कुछ होने वाला है। तो अभी हम लोग कुछ 50-60 किलोमीटर्स कवर कर लिया है और जो मेरे साथ गाड़ी है वो ये है KTM Duke 200 और जो मेरे साथ मेरा दोस्त है वो रहा आदित्य। पहले भाई अपना वीडियो पे नहीं आता था लेकिन इसके मामा के साथ रहकर इसका कॉन्फिडेंट आ गया वीडियो पे आने का। तो अभी हम लोग ने ऐसे ही अनप्लान्ड था, कुछ प्लान नहीं है कहाँ जाना है, लेकिन ऑन द वे हम डिसाइड करेंगे। शायद ये वन डे ट्रिप हो सकता है या टू डेज हो सकता है, हाफ डे हो सकता है, बोल नहीं सकते। जो भी होगा जैसे भी होगा आपको ऑन द वे पता चल जाएगा। ये फटाफट गियर अप होते हैं, जाते हैं यहाँ से। तो गाइस अभी मैंने बैग भी आगे ले लिया है, ऐसा कुछ चलाने के लिए प्रॉब्लम नहीं है। गणपति पप्पा मोरिया अच्छे से जाए, अच्छे से आए। अभी हम लोग ऑलमोस्ट लाइक पालघर के आसपास पहुंच चुके हैं और मस्त एकदम रोड खाली है। और अभी हम लोग जहाँ पे रुके थे ना वहाँ पे बहुत सारे राइडर्स ने क्रॉस किया है, क्योंकि मोस्टली लोग वन डे राइड पे ही दिखते हैं ये वाले रोड का, अगर ज़्यादा अगर ग्रुप्स में लोग जा रहे हैं तो। और भैया हम तो आज महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस करेंगे ही करेंगे। वो भाई ट्रक देखो, ऐसा लग रहा है अभी पलटी हो जाएगा। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं महाराष्ट्र चेक पोस्ट, तो मतलब अभी महाराष्ट्र क्रॉस करके हम करने वाले हैं गुजरात एंटर। बेस्ट थिंग ये है कि ये गाड़ी का ये फर्स्ट टाइम होने वाला है कि ये महाराष्ट्र से बाहर जाने वाली है। एंड हमारा भी बहुत टाइम के बाद होने वाला है कि हम आज महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस करेंगे बाय रोड ऑन बाइक। सो गाइस पेट्रोल पंप दिखा और यहाँ पे देखा तो लो फ्यूल लेवल, तो लो फ्यूल दिखा रहा है तो पेट्रोल भी भर ही लेते हैं वरना रास्ते पे वाट लग जाएगी। क्या मज़ा आ रहा है अब, एकदम क्लाइमेट सही हो गया, मतलब परफेक्ट जिसको हम बर्दाश्त कर सके वैसा क्लाइमेट हो चुका है। ना ठंडी है ना गर्मी है, बट थोड़े टाइम बाद गर्मी बढ़ जाएगी, बट कोई नहीं यार चलता है, इतने दिन के बाद निकला तो नो कंप्लेंट्स। मज़ा आ रहा है अभी फ़िलहाल और आदि को भी मज़ा आ रहा है, उसकी भी ये फर्स्ट बाइक राइड है, उसके लाइफ की ये फर्स्ट बाइक राइड है जो इतना दूर गया। वैसे हम लोग कार में जाते रहते इतना दूर, बट उसका फर्स्ट टाइम है जब वो बाइक पे इतना दूर जा रहा है। अभी तो फुल टाइम मैंने ही चलाया है बाइक, वो बोल रहा है जब मैं थक जाऊंगा तब वो गाड़ी चलाएगा, बट मैंने उसको बोल दिया कि भाई मैं रिटर्न भी लेकर आऊंगा और तब तक तुझे नहीं दूंगा। कोई नहीं, उसको भी देंगे क्योंकि नया जगह गया है तो उसे भी थोड़ा कुछ न्यू एक्सपीरियंस करना चाहिए बाइक राइड के लिए। तो थोड़े टाइम में देंगे, अभी तो फ़िलहाल सिटी में है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगी। और द थिंग इज़ कि ये बैग हमने आगे रखा हुआ है ना, तो टर्न विन के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। मेरा हाइट लंबा है तो मुझे एडजस्ट हो जा रहा है, बट उसको शायद प्रॉब्लम हो सकती है, बट कोई नहीं यार देख लेंगे। मैं जब पीछे बैठूंगा तो मैं फिर लेकर बैठ जाऊंगा, तो उसको भी ज़्यादा टेंशन नहीं। सो गाइस अभी हम लोग का ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट के लिए हम रुके थे मैकडोनल्ड्स में। जैसे कि आपको पता है कि हम गुजरात एंटर हो चुके हैं तो यहाँ पर नॉनवेज वगैरह नहीं खा सकते, तो भैया हमने सोचा कि चलो मैकडोनल्ड्स में कुछ खा लेते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 200 या 250 किलोमीटर है और जिसके लिए हम लोग को टाइम दिखा रहा है 5 टू 6 आवर्स। तो जो चीज़ नहीं देखी है उसे देख कर आते हैं, एक्सप्लोर द अनसीन। लेकिन रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब है, अचानक से पॉटहोल्स आ रहे हैं, अचानक से कुछ भी आ रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा केयरफुली चलाना पड़ रहा है। इसलिए हम लोग ने स्पीड लिमिट 80 to 100 रखा है, 100 के ऊपर जाना ही नहीं है, रिस्की नहीं चाहिए अभी, क्योंकि ये गाड़ी भी न्यू है मेरे लिए तो तुझे इसमें थोड़ा इसमें कंफर्ट होने के लिए भी टाइम लगेगा, इसलिए भगाना तो है नहीं, आराम से जाएंगे, मज़े करते करते जाएंगे और क्या। सो गाइस अभी हम लोग सूरत के आसपास पहुंच गए हैं, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, गाड़ी चला चला के ना आँखें बंद हो रही है, एकदम ब्राइट आ रहा है तो आँखें बंद हो रही है। भाई कैसा लगा राइड करके? फुल पावर भाई, अभी देखो टपरी में बैठे रस्ते में एकदम मस्त, पानी भी नहीं पी रहे, पहुंच जाएंगे। 3 घंटा दिखा रहा है, 11:40 हो रहा है तो 1:30 तक तो पहुंच जाएंगे। अगर हम लोग दोनों ऐसे आलस आए नहीं तो हम लोग जल्दी पहुंचे, तो आलस आ गया तो फिर भाई वो 1:30 to 4 बजेंगे लगते हैं। बहुत नींद आ रही है तो राइड पे ब्लैक कॉफ़ी पीना चाहिए। लोग कैसे पीते पता है देखो,
पाउच सीधा मुंह पे डालते हैं और पानी पीते हैं, इससे भी मतलब 2-3 घंटा नींद ये हो जाती है। वरना हमारा ये दोस्त एक चिन्मय है, उसका तरीका देखना पड़ता है। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1 बजे, मतलब 12:56 हो रहा है और हम लोग आ गए वापस ये पेट्रोल पंप में। यहाँ पर रेट देखो 96.60 है और हमने जो लास्ट पेट्रोल पंप से भरा था वो हमने 107 के हिसाब से भरा। 106 किलोमीटर और है भाई। 106। देखो वहाँ पे हम लोग ने पेट्रोल भरा, बाहर आके फुल गैरअप बीरअप हुआ और भाई ने गन्ने का जूस वाले को रुका दिया, अभी गन्ने का जूस पीकर ही जाएगा। अरे हेल्प तो करो उसकी। लो 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 लो, यही लेके जाओ क्या? चला के यही चला के लेके जाते क्या? गिरा मत दे रहे उसको, नीचे जाएगा तो जूस नहीं मिलेगा। गाइस एकदम फ्रेश गन्ने का जूस, वाह बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग कोई तो गांव के बीच में आके रुक गए थे और यहाँ पे एक गैरेज था, हम लोग का सिर्फ मिरर थोड़ा सा लूज था तो भाई डर गए अपने, तो मेरे हाथों से ठीक हो गया। पहली ड्राइव है ना, लॉन्ग ड्राइव और गाड़ी भी फर्स्ट टाइम आई तो डर रहता ही है सबको, बट ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है। अभी फटाफट निकलते हैं यहाँ से और यहाँ से और 1 घंटा बाकी है यार, देखते कैसे होगा। बहुत धूप हो रही है, कहाँ सोचा था 1 बजे पहुँचेंगे, 3-2 तो यहीं पे पहुँच गए। अभी खाना पीना खा कर ही आएंगे आराम से और जो भी होगा या तो इवनिंग में घूमेंगे या तो कल सुबह घूमेंगे, आज मुझे नहीं लगता घूम पाएंगे अपन। तो हम लोग नज़दीक पहुँच गए, 10 किलोमीटर और बाकी है और थोड़ा फ्रेश वगैरह हो गया मुँह हाथ धो के, अभी सोचा कि कुछ खा लेते, पता नहीं वहाँ पे जाके कुछ मिले या नहीं मिले। तो हम लोग ने चाइनीज़ मंगाया है लेकिन इसका टेस्ट तो बहुत ज़्यादा खतरनाक टेस्ट है, गुजराती चाइनीज लग रहा है, खा लेते और क्या। सो गाइस फाइनली हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, खाना पीना भी हो चुका है तो बस पहुंच जाएंगे एंड फिर पहुंच कर आपको दिखाते हैं। हम सोच रहे हैं कि अभी 3 तो बज ही चुके हैं तो रूम वगैरह यहीं पे ले लेते हैं एंड फिर देखेंगे, बोलते कि रात को भी वहाँ पे लाइटिंग्स वगैरह होती है तो रात को भी देखेंगे एंड फिर कल सुबह देखेंगे। वहाँ पर जाने का मूड गया तो जाएंगे ऊपर तक टॉप में, वरना ऐसा कुछ ऊपर जाने का शौक नहीं है, बस राइड करना था इसलिए हम लोग आ गए। राइड चाहिए था, एक डेस्टिनेशन चाहिए था, ऑलमोस्ट अभी पहुंच ही गए। सुबह निकले थे हम लोग कुछ 6 o'clock के आसपास और अभी बज रहे हैं 3:30 दोपहर के, तो ज़्यादा टाइम लग गया आई नो, वैसे 350-400 किलोमीटर ही था, बट द थिंग इज कि मैं भी बहुत टाइम के बाद राइड कर रहा हूँ और आदि का ये फर्स्ट लॉन्ग राइड है तो उसको ना इतना बैठने की आदत नहीं है और ना मुझे है, जो आदत थी वो छूट चुकी थी, बट कोई नहीं धीरे धीरे वापस वो गेन करेंगे एंड फिर राइडिंग का फन उठाएंगे। भाई कैमरा देखो कितने सारे लगा के रखे इधर, कोई बच के नहीं जा सकता गुजरात से, यहाँ के रास्ते एक नंबर बना के रखा है लेकिन यहाँ तक के आने के रास्ते बहुत ख़राब थे। सो गाइस ये है नर्मदा रिवर, वाह वो साइड है भाई, फाइनली दिख गया वो, देखो गोप्रो से इतना दिख रहा नहीं है। और वहां पर है स्टैचू ऑफ यूनिटी एकदम पहाड़ों के बीच में, पुलिस की चेकिंग, काज तुड़िया भाई इधर। हाँ अलाउड नहीं अंदर, यूनिटी के बस में जाना है, बस में आना है, इस बस में पार्किंग में जाना है। किधर है पार्किंग? पीछे 1 किलोमीटर पीछे हो गया, सीधा जाओ। क्या हुआ? थैंक यू सर, ठीक है ठीक है, धीरे से जाना, धीरे से, धीरे से, देख देख के जा रहे थे, धीरे से जाएंगे। सही रे, मुंबई से मोहित मावरी नाम से है। चलो सर थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, अच्छे लोग थे भैया। अंदर भेज दिया नहीं तो पार्किंग में खड़े रहकर आना पड़ता, और बोला है कि धीरे से जाना और देख कर आ जाना, के जाने का मिल रहा है तो वाई नॉट। देखो सब बुरे नहीं होते, कोई कोई अच्छे भी होते और हेल्पफुल भी होते। पुलिस वाले लोग ने पहली बार दिल खुश कर दिया। यार सच्ची में बहुत ज़्यादा ही टॉल है, देखो ना पूरे माउंटेन्स भी नीचे दिख रहे हैं। अभी पता नहीं गोप्रो में इतना अच्छे से दिख रहा है क्या नहीं, बट गाइस देखने लायक चीज़ है। अब देखो गाइस एंड अब बताओ अभी आपको दिख रहा है या नहीं, और पहाड़ छोटे दिख रहे हैं या नहीं। हाँ देखना कितना बड़ा बना है, कितना यूज है, बहुत यूज है। सो फाइनली हम लोग की फर्स्ट राइड कंप्लीट हुई साथ में, बाइक राइड स्टैचू ऑफ यूनिटी, मतलब आदि और मेरी फर्स्ट राइड है। मेरे को रिक्शा अच्छी लगी भाई,
ईवी। तो गाइस हम लोग बैठ गए हैं ई रिक्शा में, जो मैं आपको रास्ते पर दिखा रहा था उसमें अभी हम सवार हो रहे हैं। और देखो सामान सब लेके, और द थिंग इज हमने चेंज कर लिया है, पार्किंग में खड़े खड़े चेंज कर लिया, सब सामान हाथ में लिया है। अभी यहाँ पे लॉकर फैसिलिटी है और द लॉकर इज फ्री, जाएंगे उधर और बैग भी रखेंगे फिर घूमेंगे। और ये देखो जंगल सफारी का एंट्रेंस यहाँ से। सो गाइस हम लोग अभी रिक्शा में पहुँच गए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास, और ये रिक्शा का जो चार्जेस है वो पार्किंग से ये पार्किंग, और बसेस शायद फ्री है यहाँ पे। तो गाइज ये यहाँ पे टिकटिंग चार्जेस ग्राउंड फ्लोर के सिर्फ 100 है। तो वहाँ से हमने टिकट लिया और यहाँ पे लॉकर फैसिलिटी है और यहाँ से एंट्री है। ये हमने टिकट लिया कुछ 150 का, एक हम लोग को 300 में पड़ा। तो गाइज मैं यहाँ पर ज्यादा वीडियो नहीं बना सकता, यहाँ पर ये जो स्पीकर लगा है इसमें बहुत सारे म्यूजिक बज रहे, तो इसमें भाई कॉपीराइट आ सकता है। जैसे ही होगा फिर मैं आपको बताऊंगा जो आगे जाके। तो गाइस हम लोग फाइनली आ गए स्टारबक्स, कॉफ़ी लेते हैं थोड़ा शांत होते हैं। गाइस ये हमारी कॉफ़ी हमारे सामने बन रही है। सो स्टारबक्स में कुछ नया आया है, हम वो ट्राई कर रहे हैं। क्या था ये, फ्रैपेचिनो विद रोस्टेड नट एंड चॉकलेट, ये ट्राई कर रहे हैं, जैसे कैरमल कर रहे थे। सो गाइस हम लोग ने घर का टाइम देखा, अरे भाई कॉफ़ी गिर जाता था, सोचा कॉफ़ी पी के घर जाएंगे। और घर का टाइम कितना दिखा रहा है भाई, 8 hours 20 minutes रिटर्न ट्रिप है 400 किलोमीटर के आसपास। अभी ये देखिए इसका घर जाने का मन नहीं कर रहा है अभी, और मैं सोच नहीं सकता है। रन ऑफ कच, रन ऑफ कच उल्टा है, तो इधर से रन ऑफ कच के लिए देखो इधर जाने का है, ये डायरेक्ट इधर से इधर नहीं। दो दिन रन ऑफ कच पहुँचने का लगेगा, उदयपुर 400 किलोमीटर। गाइस हम लोग फर्स्ट सीट पे बैठे, यहाँ पे स्टैचू के पास तो नहीं गए क्योंकि यहाँ से पूरा वहाँ तक जाना पड़ेगा एंड फिर 1 घंटे में रिटर्न भी आना पड़ेगा, तो हम लोग जाने तक तो वो वैसे भी बंद हो जाएगा। तो हम लोग ने सोचा कि इट्स बेटर कि हम लोग को फर्स्ट सीट मिल रहा है, फर्स्ट सीट बैठेंगे, नाइट शो एंजॉय करेंगे, उसमें जो लाइटिंग्स होती है वो एंजॉय करेंगे। वहाँ जाकर तो नीचे से तो कुछ दिखेगा नहीं, तो जो यहाँ से दिख रहा है उसमें ही मजा लेते हैं। सो गाइस अभी हमने लिया है ये बॉटल, में लिखा है आई लव स्टैचू ऑफ यूनिटी, और ये वहाँ पर मिलती है देखो फ्री वाटर। बट अगर आप ये बॉटल लोगे तो आपको 50 rupees देना है, और पानी फिर आप अनलिमिटेड कितना भी बार भरो, और अगर आपके पास अपनी बॉटल है तो आप फ्री में ले सकते हो पानी वहाँ से। अच्छी बात ये है कि मोस्ट ऑफ द चीजें यहाँ पे सस्ती भी है और फ्री भी है, जैसे पानी फ्री है जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना बड़ा घूमेंगे तो पानी तो फ्री होना चाहिए। लॉकर फैसिलिटीज फ्री थी रिक्शा में, जो आप जहाँ पर भी आपकी गाड़ी पार्किंग करोगे वहाँ से आने का 50 rupees है ई रिक्शा का, जो नियर बाई विलेजेस है उनकी भी हेल्प हो जाती है। और सारी फीमेल्स जो भी पिंक रिक्शा में, सारी फीमेल्स यहाँ पर काम करती है। मेरे दोस्त आदि की हालत खराब हो रही है फर्स्ट राइड करके, उसका सब कुछ दुख रहा है, उसका भी मेडिकल जाने का है, उठने बैठने के वांदे हो गए उसके बाइक में बैठने के बाद। अगली बार से बाइक में नहीं बैठेगा, फुल हालत खराब हो गया। हालत खराब इसलिए है कि कल से सोया नहीं है वो, और बैठने का तो ठीक है यार, बाइक में आया तो होता ही है, मुझे भी हो गई थोड़ा टाइम के बाद, कल देखते हैं अब क्या करना है। सो गाइस यहाँ पर अभी लाइट जल गई है, और ये देखो पब्लिक का क्राउड देखो, पीछे सीट्स नहीं है बैठने के लिए। गाइस हमने स्टैचू में जो लाइटिंग्स होते हैं वो देख लिया, और यहाँ पर भी लाइटिंग होते हैं डैम के पास जैसे कि आप देख सकते हो, बट अभी आप लोग देख रहे नहीं, वो सॉन्ग के ऊपर ही है, कॉपीराइट आ जाएगा। और यहाँ पर देखो गार्डन वगैरह है पीछे, एग्जॉटिक बर्ड्स एंड सेंचुरीज है, वहाँ पर जू है, जू देखने लायक होता है इधर, तो यहाँ पर अगर आप आओगे तो जू ज़रूर देखना। और ये पार्किंग है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो यहाँ पर पार्किंग के चार्जेस भी नहीं है, सबसे बेस्ट बात, तो पानी पीने के चार्जेस नहीं, पार्किंग के चार्जेस नहीं, लॉकर के चार्जेस नहीं, ये सब देखने के लिए दूर से एंट्री फ्री है, बट अगर आपको अंदर जाना तो आपको 300 rupees चार्ज होता है, 150 rupees चार्ज होता है पर पर्सन। सो गाइस ये है कुछ गाड़ी का हाल, अभी हम लोग सिर्फ दोनों बैठने वाले, बैग में ज़्यादा सामान है तो मैंने बैग यहाँ पे रख दिया है, बैग सेफली रहेगा। वाह क्या लाइटिंग लगा इधर। तो गाइस अभी हम लोग फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं, और लाइटिंग सब देख सकते हो यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग इसलिए नहीं रुक रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अंदर के तरफ है, और अगर हम लोग दिन में लेट निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि अभी हम लोग ऑब्वियसली थक गए हैं, दिन भर राइड किया और बहुत टाइम के बाद राइड किया ना, तो थक तो गए हैं, तो हम लोग सोच रहे कि यहाँ से थोड़ा दूर जाके रहेंगे सो दैट हमको उतना डिस्टेंस कवर हो जाए अभी ठंडे ठंडे में। अभी मतलब ठंडी भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, नॉर्मल क्लाइमेट है जो हमको सूट होगा, तो उसमें हम लोग आगे चले जाएंगे तो अच्छी बात है, एंड फिर होटल लेंगे एंड आज रात को वहीं स्टे करेंगे, एंड फिर कल
कुछ धमाल करेंगे। अभी तक कुछ प्लान नहीं है, सोच रहे हैं कि घर पे ही चले जाए, बट अगर अभी रास्ते पे कुछ प्लान बन गया तो देखते हैं, क्योंकि हम लोग ने कपड़े वैसे कैरी नहीं किए इतने दिन के लिए, हम लोग सिर्फ वन डे के लिए जाने का सोच रहे थे। तो यहाँ पर इसलिए भी नहीं रुक रहे क्योंकि यहाँ पे देखो सारे होटल्स है ऊपर, जो भी जितने भी होटल्स दिख रहे ना ये सारे बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। देखो ये साइड भी होटल्स है बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि यहाँ पर मतलब होटल के चार्जेस ही कुछ 11,000-12,000 ऐसे सब चार्जेस है, 20,000 ये सब चार्जेस है। एंड होम स्टेज भी है यहाँ पर, वो बहुत रीजनेबल प्राइस है 1,000-1,200, बट अभी देखो कितनी ज़्यादा गर्दी है, हम कहीं दूर जाके रुकेंगे। मैं और आधी इधर रास्ता भटक गए, आधी की फट रही है क्योंकि ये देखो ये रास्ता है और ये जो बाजू में आपको पिच डार्क दिख रहा है ये पूरा रिवर है, और ये बोलता है रिवर के बाजू से नहीं जाने का रात को, आपको गूगल ये रास्ता दिखा रहा है, पूरा रिवर है यहाँ से यहाँ से यहाँ से कैसे जाएंगे पता नहीं, यहाँ तक जाना पड़ेगा अभी। देखो आपने फर्स्ट टाइम देखा रहेगा कोई पिलन ब्लॉगिंग कर रहा है पीछे से, इसको क्या बोलेंगे, मोटो ब्लॉगिंग या पिलन ब्लॉगिंग, कमेंट में ज़रूर बताना। ए डरमा डरमा, वो देख सब गाड़ियाँ आ रही है, डरने का नहीं बेटा। इतना अंधेरा था ना, कभी कभी अपन सोचते भी है तो कुछ दिख जाता है इमेजिनेशन में, बट हो सकता है कि किसी को देखा रहेगा करके, कहीं वो भूत तो नहीं थी, पूरा वाइट कुर्ता था एकदम, कहीं वो चुड़ैल तो नहीं थी, इसलिए बोलते हैं रात को नदी के पास नहीं जाते मेरे दोस्त। मैं नहीं, ये गूगल माता, इसको भी कुछ नहीं आता। तो बस अभी फ्यूल अप कर दिया, फुल कर दिया तो भी फुल 460 में हो गया, 97 का रेट है इधर, दोपहर को 96 में मिला, इसकी हालत खराब, पीठ दर्द शुरू, वाट लग गई है भाई की। चलो भैया। सो गाइस अभी फिर से मैं आ गया अपनी राइडिंग सीट पे और अभी फुल भगाना है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ठंडी भी लग रही है, तो आधी बस शाना है अपना बस चला लिया, अभी ठंडी लग रही है तो मुझे आगे बिठा दिया और पीछे मस्त कवर होके बैठा है। यहाँ पे ना रोड्स बीच में ना बहुत बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स है, मतलब ये गाड़ी के लिए बड़े बड़े है, एंड बीच में ना अचानक से खड्डे वगैरह भी आ रहे हैं, एंड यहाँ के लोगों के गाड़ी में इंडिकेटर भी नहीं है ना टेल लाइट है, तो बहुत केयरफुली चलाना पड़ता है। देखो लिखा भी है एक्सीडेंट जोन अहेड, और गाइस पता नहीं आदि को कहीं से कुछ दिखा, उसको लगा कि कुछ वाइट कलर का है उसके साइड में और वो डर गया था बेचारा, बट वो हो, देखो अगर आप रात को अकेला चला रहे हो ना, जैसे हम अकेले तो नहीं थे, हम दोनों साथ में थे, बट ऑब्वियसली वो रोड पूरा सुनसान था, एंड बचपन से आपके माइंड में ये है ना कि रात को अंधेरी रात में कभी रिवर के बाजू से नहीं जाते ऐसा वैसा, तो बस वो भी उसी के माइंड में था, एंड बस वो सोचते सोचते हो सकता है दिखा हो, दिख जाता है किसी को, बट यू नेवर नो। उसने मुझे भी तुरंत पूछा कि तूने वही देखा क्या जो मैंने देखा, तो मैं बोला नहीं मैंने तो कुछ नहीं देखा, क्योंकि मैं मैप देखने में बिजी था, मतलब अगर मैं मस्ती भी करता कि हाँ मैंने भी देखा करके तो वो डर जाता, तो इट्स बेटर कि मैंने बोला कि नहीं देखा है करके, एंड जो मैंने देखा वो उसे नहीं देखा और जो उसने देखा वो मैंने नहीं देखा, ऐसा हो गया। तो कोई नहीं, अभी फटाफट जाते हैं, और अभी हम पूरा उदयपुर जाने का सोच रहे थे, ऑन द वे ही था ये क्योंकि हम लोग रास्ता भटक गए थे, बट उदयपुर तो नहीं पहुंच पाएंगे, तो जो भी नियर बाय होटल आएगा उधर रहेंगे, क्योंकि आदि की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, उसको बैक पेन भी हो रहा है, पता नहीं उसके नींद के वजह से हो रहा है या फिर राइड के वजह से हो रहा है, बट जो भी उसको रेस्ट करना इम्पॉर्टेंट है, तो उसको फटाफट रेस्ट करने लगाएंगे, एंड भैया फिर कल सुबह देखते जो भी होगा वो करेंगे। मैं मस्त स्पीड में चला रहा हूँ 100, 80, 100, 80, 100, और आदि को इतनी ज़्यादा ठंडी लगे कि भाई पीछे सो रहा है मस्त आग बंद करके, और मुझे मैं अचानक लीन मार रहा था और ये भाई जबकि से उठा, मतलब वो गिरते गिरते वो भी उठ गया, तो भाई बच गए हम दोनों। सो गाइस अभी हम लोग बीच रास्ते पे रुके, आदि गया इधर हॉस्पिटल रैली स्प्रे वगैरह देखने, और मैं यहाँ पे बना रहा हूँ अंडा भुर्जी, भुर्जी तो बन गया, भुर्जी और पाव खाएंगे आज। तो गाइस हमारा खाना आ गया, और आदि को मैंने रैली स्प्रे लाने बोला था, ये भाई दवाई लेकर आया, क्या बोला उसको दिल, मैंने उसको बोला बॉम्बे से आ रहा हूँ मैं बाइक से राइड करके, मेरी पीठ बहुत दुख रही है, और मैंने उसको झुक के भी दिखा कि जम नहीं रहा मेरे को। क्या यार पेन मैक्स, अभी फटाफट खाते और फिर निकलते, और मैं इसके बाद शायद हो सकता होटल पहुँच के फिर लास्ट वीडियो एंड करूँ। यार रास्ते पे कुछ दिखा तो आपको दिखा दूंगा, अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है वैसे।
आधी दिखेगा अब दर्द से। तो हमारा खाना पीना तो हो गया और भाई बोल रहे हैं हमारा वीडियो देखते हैं, बट हमने सब्सक्राइब फिर भी करा दिया है। अभी देखते रहोगे ठीक है। और गुजरात में इधर आने का तो भाई के इधर चाइनीज जरूर खाने का। कौन सा एरिया है एड्रेस तो बताओ। बोडेली। बोडेली बोडेली और चाइनीज एक नंबर था इन्होंने बनाया था जो नीचे बैठे। कितनी ज्यादा कर दी इधर रात को 11 बजे देखो। ओ माय गॉड क्या गाड़ी दी यार। और सब बैठे हुए भाई क्या सीन है इधर। अरे हमारे वेलकम के लिए खड़े भाई एक नंबर पूछ का ना उसको। सो गाइस अभी हम लोग होटल पहुंच गए हैं और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं आपको न्यू ब्लॉग में। बहुत ज़्यादा टायर्ड है। कल का ब्लॉग और भी धमाकेदार होगा क्योंकि फिर से हम कहीं आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। बने रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।